बैठिए बात आई थी 4% को बचा ली थी
तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात की आई थी कि हम 4% को बचाने के लिए पूरी हुकूमत की तरफ से मुमकिन कोशिश हिस्सा है और हम उसमें निकालने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता वक्फ बोर्ड के और वक्फ जायदादों के तहफ़ की जो बात आई थी उसमें भी अभी शायद एक दो तीन दिन में शायद जियो भी जारी होने वाला है, जिसमें स्टेट रूल्स को एक फ्रेम किए गए हैं, उसका जियो निकलने वाला है उसके तहत हम एक तहफ़ के लिए भी एक काम कर सकते हैं। दूसरी चीज CANRC की बात आई थी, आपकी आज की हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पंचिंग बैग का संबंध है, फायदा कुछ नहीं है हमारा, लेकिन सिर्फ हमारे नाम लेके वोट बटोरने की एक कोशिश हो रही है। तो हम ठीक है, ये अंग्रेजी में कहावत है दिस टू शैल पास, ये वक्त की गुजर जाए, कुछ थोड़े दिन की बात है इंशाल्लाह ताला। और अंदोल आपसे खरीद है, अंदोल ये कहा जाता है कि अंदोल में जो नुमाइंदा जीतता है उसकी हुकूमत यहाँ पे उस पार्टी की हुकूमत यहाँ पे। तो आगरा में कहा जाता है कि जो गुंटूर में ज्यादा सीट लाते हैं उसकी हुकूमत वहाँ पे आती है। वैसा मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ 17 सीट है पार्लियामेंट में, अगर यहाँ 17 में ज्यादा से ज्यादा अगर कांग्रेस को मिले तो इंशाल्लाह ताला सेंटर में भी उसकी हुकूमत आ सकती है। तो जायजा ले लीजिए, आपको अंदाजा हो जाता है कि 89 से जो यहाँ है उन्हें वहाँ है, ये बात है। चंद्रबाबू उस वक्त जैसा हुआ था जैसे आता है एंटी आगे वहाँ पे, तो ये एक चीज है भारत, हम इंशाल्लाह एक कोशिश करके वहाँ पे भी आ जा सकते हैं। और दूसरी चीज एक और बात यह है कि हम अक्सर बात करते हैं रमजान आ रहा है, मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूँ रमजान की, और चूंकि इफ्तार पार्टियां ज्यादा होती हैं जहाँ पे हमारे मेल मिला, एक दरख्वास्त ये है कि बजाय इसके कि हम आजकल वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसमें हम पार्टी का नाम कौन सी पार्टी को वोट डालना, ठीक है सबको मालूम है किसको वोट डालना है, एक अंदाजा है कि कौन मोदी का मुकाबला कर सकता है, बजाय इसके कि हम पार्टी का एक वीडियो बने उस वो वीडियो बताकर दूसरे लोग फायदा उठा रहे आदिलाबाद निजामाबाद में ऐसी हो, तो हम बजाय पार्टी का नाम लेने के सिर्फ ये कर सकते हैं जहां भी अगर आप संगारेड्डी के मौलिजान यहाँ मौजूद हैं, उलमाए इकराम हैं, उफादे इकराम हैं, मशाइख निज़ाम हैं, समाजी जहाबकार हैं, असातिज़ा हैं, TNGOs है, वज़ीफ़ेयाब मुलाज़मीन हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, फैमिलीज का स्टाफ है, शाहीन स्कूल का मैनेजमेंट और जिम्मेदार हैं, और दीनी मदारिस के जिम्मेदारान हैं, अहले सुन्नत जमात, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। ये इस तरह से एक खूबसूरत मजमुआ है, एक कहकशां की माने है ये नशिश। मैं आप तमाम हजरात का नाम बना शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपने पहले से तयशुदा मसरूफियात को तर्क करते हुए हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पर आप तशरीफ लाए। आपका मैं और आगर अली खान साहब की जानिब से बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आइंदा भी आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह से इदारे सियासत के साथ वाबस्ता रहेगी। आमिर अली खान साहब यहाँ मौजूद हैं, आमिर अली साहब का तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ना सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पे शोहरत के हामिल हैं। आपकी शोहरत की वजह आपकी शख्सियत में जो
जो कांधा में है वो आपकी शोहरत को दूर दूर तक पहुंचाया है। इदारे सियासत के जरिए जनाब आमिर अली खान साहब की सरपरस्ती में, निगरानी में, आपकी राष्ट्र निगरानी में मुख्तलिफ समाजी खिदमत अंजाम दी जाती है, जिसे आप सब बखूब हुई वाकिफ है। हमारी जिंदगी का कोई ऐसा शोभा नहीं है जिसमें इदारे सियासत ने खिदमत अंजाम ना दी। इदारे सियासत लावारिस मुस्लिम मैयतों की तदफीन से लेकर मसावकती इम्तहान की तैयारी तक हर एक शोबे में खिदमत अंजाम दे रहा है। पुलिस कांस्टेबल के तकर्रात हों या फिर सरकारी मुलाजमत के इम्तहान हों, एसएससी के इम्तहान या फिर किसी भी किस्म के दीगर इम्तहान भी हम मौजूद हैं। आमिर अली साहब का तारुफ कराने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। उस पर खाली आमीन कहना बाकी है, क्योंकि अब इससे बेहतर अंदाज में और क्या तर्जुमानी हो सकती है सियासत की। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए जैसे डिमेरिट्स का निज़ाम बनाया गया था, ऐसे ही पूरे अजला के अंदर गांव, छोटे गांव हो या बड़े गांव हो, इन स्कूलों को सही नहज पर चलवाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल अगर सही नहज पर आ गए तो हमारे वो बच्चे जो स्कूल में फीस नहीं अदा कर सकते या प्राइवेट स्कूल का बेड़ा अपने सर नहीं उठा सकते, वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इन स्कूलों के अंदर। तो आपको इस अंदाज में मिलेगा कि उस दौर की हुकूमत की आपने क्या है खामियों को बयान किया है इसे, और जिस अंदाज में उनको आगे काम करना है उस पर क्या है अपने बात रखी है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि आपको अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मौका दिया है। हम तमाम मुसलमान तेलंगाना की उम्मीद करते हैं, बिलखसूस जिले संगारेड्डी के, कि इंशाल्लाह जैसे ही आप अल्लाह ताला भरपूर मौका देगा खिदमत का, आप भरपूर खिदमत भी करेंगे और सबके लिए बिलखसूस मुसलमानों के लिए एक मिसाली कायद की हैसियत से इंशाल्लाह सामने आएंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, और जो अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया अशफाक पटेल साहब। हमारे दरमियान में तेलंगाना तहरीक के जहादकार और तहरीक तेलंगाना से इब्तदा से वाबस्ता शख्सियत जो हमको हमारे साथ लड़ रहे, हमारे बाजू जो पुतले दौड़ों तक ठहर जाते हुए उनकी मजबूरी मिल गई, उनकी मेहनत मिल गया, हमारा मेहनत अल्लाह देने वाला है, उसी हम काम कर रहे। हमारा पुतला में होना, हमारी जो जद्दोजहद है, ये हिंदुस्तान आजाद होना, हिंदुस्तान अंग्रेज होम के अंदर फंसा हुआ है, गुलामी से निकल के बाहर आना है, ये था उन लोगों का दर्द तकलीफ। आज भी हम आज किस जगह है, 10 साल से हम काम करते भी है, आप भी देखे हैं हमारे मुसलमानों का क्या हाल है, किधर है, बहुत अंधेरा, सूरज की दर्शनी चाहिए, जैसा भी हो मौसम बदलना चाहिए, घर कोई चिंता है उसमें आज का जो प्रॉब्लम बना है। 10 साल में हमारे हमने जो सोचा उससे भी बढ़कर बन गया, हमने जो सोचा उससे भी बढ़कर बन गया। उस रोज आप मुझको बहुत याद करेंगे, उस रोज आप मुझको बहुत याद करेंगे, जब कैबिनेट में जब आप मुझको बहुत याद करेंगे, जब आप हुकूमत में मिनिस्टर बने गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ हुकूमत की तरफ से आपको एक अच्छा मौका दिया गया, जैसा कि फैसल साहब ने भी, इकरम साहब भी बोले और कुछ लोग भी बताए, मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूँ और उसके साथ साथ भी आपको कैबिनेट में हिस्सा देने से आदि जनाब को एमएलसी नामजद करने पर दिल की अमीन गहराइयों से मुबारकबाद करें। बावजूद तबियत की नासाजी के आज की मेरी हाजिरी
इस बात पर दलालत करती है कि आमिर अली खान साहब से फैसल साहब से जो मोहब्बत है उसका नतीजा है, और आप तमाम लोगों की चाहतों की तरफ से आमिर अली खान साहब के लिए यह प्रस्ताव पेश करता हूँ। आमिर अली खान साहब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम जो है ना आपका जो है ना कहने से जो है ना सवाल करते हैं और आपको हमारी बात पेश करते हैं कि जो है ना कांग्रेस की सरकार जो आई पावर में वो एक खामोश इंकलाब था सियासत की जानी से। ये गवर्नमेंट ऑफ नोटिफिकेशन दिल्ली उसी में जितने भी उसको पोस्ट है जैसी जस्टी टेक्सरिंग में और डीसी के सी ये पोस्ट को अमेंडमेंट के जरिए नोटिफिकेशन एग्जाम से पहले अमेंडमेंट कराना होगा, तो ही ये जितने भी जायदादें हैं वो तमाम फिलअप हो सकती है। वरना मेरी जानब से या हमारे तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से एक तजवीज़ ये है, एक गुजारिश ये है, मैं कहूँगा ये गुजारिश है हमारी कि जो सरवर स्कीम की स्कॉलरशिप आना भी बाकी है, पेंडिंग है, इंटरमीडिएट की जो स्कीम की स्कॉलरशिप आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो अभी पेंडिंग है, अगर वो सरवर को मिल जाएगी तो हमको कई मैं यहाँ आकर मैं समझता हूँ ये हमारे प्रधानमंत्री जब चुनाव होंगे
तो उस वक्त बैनर डिस्ट्रिक्ट वो नारायण डिस्ट्रिक्ट था, जब रोस्टर की शुरुआत होती थी उसको डिरोस्ट किया जाता था, फिर कतर बनाने दिए जाते थे। और बैनर डिस्ट्रिक्ट को वो एजाज भी हासिल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में दो बार जो रोस्टर वापस किया गया था, लेकिन मेजर डिस्ट्रिक्ट में तीन बार कन्याकुमारी के जमाने में रोस्टर वापस करके तीसरी लिस्ट निकाली गई। तो एक भी पोस्ट रोस्टर के तहत उसको छोटे घरेलू सनद के तौर पर जो रूल्स वगैरह कागजा में दिया जा रहा है तो बंद करके इस स्कीम को और ही अमल में लाने के लिए हुकूमत से मुताबिक नौजवान और से सजन।